हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली जो कि आपका 3 बजे मॉडल पेपर यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है, हर एक प्रकाशन भी सोल्व कराए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर्ण और भी आपके मॉडल पेपर होते हैं जो अपने द्वारा बनाए गए हुए आपके मॉडल पेपर होते हैं, जिसे आपके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपके रखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और बेहतर आपके क्वेश्चन होंगे, संभवता है कि आपका जो पेपर होगा लगभग यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों आवाज मिल पा रही है सभी को, मिल पा रही है तो सभी लोग जवाब दे दीजिएगा। जी हाँ, आप लोग जय हिंद लिख दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा इनमें से, इसका नाम है आम्रपाली। दोस्तों याद रखिएगा कि आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। जो आम्रपाली है लिच्छवी गणराज्य की नृत्यांगना थी, ये जो आम्रपाली थी लिच्छवी गणराज्य के क्या थी, नृत्यांगना थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था। दोस्तों याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को ही प्रवेश दिलाया था अपने बौद्ध धर्म में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। वहां पर आपको जीके की नोट्स भी दी गई है, साथ में 2021-2022 के जो आपके पेपर हुए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहीं पर मिलेंगे, और ढेर सारी आपको PDF वहां पर फ्री आपको मिल जाएंगी, उन्हें डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों 2023 के लिए एक कोर्स भी बनाया गया है जो कि मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सामान्य जागरूकता हो गया, करंट अफेयर, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, इतिहास, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगी, पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। ये कंप्लीट कोर्स आपका है जिसमें से आपकी थ्योरी भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, और साथ में इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। आपके साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब वाले भी क्वेश्चन आपके रखे गए हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्क्राइब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही कम दाम है, मात्र 99। YouTube में इतना सस्ता कोर्स कोई नहीं देगा, आप कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग ऐप को प्ले स्टोर से सर्च करके देव जी के ट्रिक डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। दोस्तों बताना है गुलामों का गुलाम जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका इल्तुतमिश इसका आंसर राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किसका, मोहम्मद गोरी का था, इसलिए गुलामों का गुलाम कौन हो जाता है, इल्तुतमिश आंसर राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। चलिए बताना है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया, यहां पर आपका 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आपका दिया गया है ए नंबर, बी नंबर, हर प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए 3 का अगर बात करते तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नागलपुर, क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना किया था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछे कि जो कृष्णदेव राय थे ये कौन वंश से संबंधित थे, तो ये कौन वंश है, तुलु वंश में, तुलु वंश के सबसे महान शासक आप थे। दोस्तों याद रखिएगा इन्हें आंध्रभोज भी कहा जाता, हमने बताया था कि जो कृष्णदेव राय है इन्हें आंध्रभोज भी कहा जाता था, आंध्रभोज भी कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि संधि के बाद सालसेट तथा भारूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। चलिए किस संधि के बाद सालसेट तथा भारूच का राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। दोस्तों यहां पर एक संधि हुई थी, ये संधि आपकी कौन सी है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1776 के आधार पर सूरत की संधि जब हो गई थी, तो आप कह सकते हैं कि मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपकी संधि हुई, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। जयसिंह उपाधि को सवाई की जो उपाधि दिया दोस्तों वो किसने दिया था। चलिए यहां पर जवाब देना है आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जयसिंह को, जयसिंह
जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दिया वो किसने दिया था, फाइव नंबर में। और फाइव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या? औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दिया था, याद रखिएगा, है ना। और अगर पूछे सवाई राजा जयसिंह का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था, तो आपकी 1688 में राजस्थान के आमेर में हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। दोस्तों यहां पर 6 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके लॉर्ड एलन बरो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड एलन बरो इसका जो आंसर है, यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा। लॉर्ड एलन बरो के काल में ही आपके 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है कि कौन सी संधि या कैसे कौन सी युद्ध के तहत आपका ये संधि आपकी हुई थी। तो देखिए कर्नाटक का युद्ध दोस्तों हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये एक्सला सापेल की जो संधि से ये अंत हो गया था। तो यहां पर देखिए इसका 4 हो जाएगा। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था, तो यहां पर आपका 1 हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ये किससे हुआ था, पुडुचेरी की संधि से अंत हुआ था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था ये समझौता मद्रास की संधि से हुई थी, तो मद्रास यहां पर 2 हो जाएगा। मतलब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना, या आप लोग मतलब दे सकते हैं 4132 इसका हो जाएगा, 4132 हो जाएगा। तो 4132 ऑप्शन सी नंबर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था। चलिए सभी बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ बच्चों को साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा है क्या भाई, सभी लोग कमेंट करिए क्या साफ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़े क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, क्वालिटी समझ में आ जाएगा। अब क्वालिटी अच्छी लेना चाहते हो तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ना, मोबाइल में ऑप्शन दिया गया है, जब सभी लोग जवाब दे रहे हैं तो सब कैसे देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए देखो दिया गया मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में पार्टी गठित की गई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो यहां पर देखिए स्वराज पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, स्वराज पार्टी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा 1923 में, है ना। और भारतीय परिषद एक्ट को लेकर 2 विचारधाराएं आपकी इस पार्टी में आ गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था दोस्तों, यहां पर 9 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों एक एक्ट आया था अर्थात जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट समझौता हुआ था 1932, है ना, 1932 के तहत महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य आपका समझौता हुआ था, इसी के तहत यह समाप्त किया गया। तो ऑप्शन आपका बी नंबर पूना पैक्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। चलिए दोस्तों यहां पर लॉक करना है आपका आंसर जो बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, देखिए वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है, हमने बताया हर एक प्रकाशन भी सॉल्व करते हैं, साथ में यहां पर आपको ऐसा भी कंटेंट लेके आते हैं जो संभावित होता है। तो दोस्तों कम से कम मेहनत को तो समझिए कि आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, किताबें जो आपकी हैं वो तो हम सॉल्व करा भी रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ और भी मॉडल पेपर आपको देते रहें ताकि जो क्वेश्चन बाहर निकल के जाने वाले हैं वो आपके निकल के ना जाएं। तो दोस्तों यहां पर लाइक की संख्या भी तो बराबर रख दिया करिए, जितने लोग जुड़ते हैं कम से कम अपना योगदान तो दीजिए, पढ़ते हैं कुछ अगर लेते हैं एक नंबर का ज्ञान तो कम से कम योगदान तो अपने इस चैनल पर दीजिए, अपने परिवार को बढ़ाने का तो प्रयास करिए। सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा जितने लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, ठीक है। चलिए बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है 1907 में, और 1907 में कहां पर है, तो आपकी सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें से गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसकी अध्यक्षता इसमें किसने किया था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया दोस्तों, किसके, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको यहां पर चुनना है। चलिए यहां पर देखो सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है, तो देखो यहां पर दिया गया है मीना, क्या दिया है, मीनाम कब, क्या दिया गया है, मीनाम बक्कम, ये जो आपका हवाई अड्डा है दोस्तों ये चेन्नई में है, कहां पर है, आपके चेन्नई में है, तो चेन्नई यहां पर हो जाएगा 3 हो जाएगा।
संता क्रूज जो आपका है ये कहां पर है आपके मुंबई में दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। इंदिरा गांधी कहां पर है आपका दोस्तों नई दिल्ली में है, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा दो हो जाएगा है ना। और आपका दमदम जो आपका पड़ता है दमदम ये कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता कहां हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है ना, यहां पर आपका हो जाएगा वन हो जाएगा। और दिया है राजा सांसी, क्या दिया है राजा सांसी ये अमृतसर में पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लोग देखना है तो आप लोग देख भी सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा ये वाला 3 4 2 1 5 इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो आपकी कौन सी है। चलिए बताइएगा कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा मेथान गैस, इसका जो आंसर बनेगा मेथेन गैस हो जाएगा मेथेन ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर आ गया है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों 13 नंबर में, तो देखो आपका दिया भारत ईरान मेक्सिको और मिस्र, तो दोस्तों याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन अगर विश्व में देखा जाए है ना तो आपकी कर्क रेखा मेक्सिको चीन मिस्र भारत बांग्लादेश सऊदी अरब माली अल्जीरिया नाइजर चाड आदि देशों जाती है, लेकिन ईरान से नहीं जाती दोस्तों, कहां से ईरान से नहीं जाती है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है 14 नंबर में, तो पहला दिया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दिया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो क्या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका ट्रुगेला है क्या दोस्तों। ट्रुगेला तो आपको हमने नहीं पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया है एंजिल जलप्रपात है ना, एंजिल जलप्रपात आपको बताया याद रखिएगा है ना। ये जो ट्रुगेला है ये आपके दक्षिण अफ्रीका का सबसे अर्थात दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि काफी ऊंचाई आपकी है, ये दूसरी ऊंचाई वाला जलप्रपात है, ये दूसरे नंबर का आ जाता है जो कि दक्षिण अफ्रीका में आपका है ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये गलत दिया है। वहीं पर देखिए विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन है, सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटकाका हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील आपकी है तो टंगानिका, कौन टंगानिका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है दोस्तों, यहां पर 15 का ऑप्शन दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 15 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर भी हो जाएगा कनाडा, क्या हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो यहां पर जो आंसर आपका बनेगा यहां पर कौन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से M3 में नहीं आता है। देखो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है और इकोनॉमिक्स में जैसे आपका होता है M1 M2 M3 M4, तो दोस्तों M1 जो आपका होता है M1 ये प्रतीक होता है चलन में नगद है ना, प्लस बैंकों की निवल जो मांग होती है और RBI के पास अन्य जो जमाएं होती हैं, फिर आपका M2 M1 कारखाने में जमाएं होती हैं और प्लस आपका जोड़ देते हैं, मतलब यहां पर जो आपका डाक घर दिया या डाक खाने हैं ये आपका इसमें से आपका नहीं आता दोस्तों याद रखिएगा। इसका जो आंसर आपका दिया है बी नंबर, ये इसके अंतर नहीं आता है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, किस बैंक का मुख्यालय दोस्तों बताना है कोलकाता में है। चलिए 17 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 17 की अगर बात करते हैं तो देखो पंजाब नेशनल बैंक इसका तो होगा नहीं, तो यहां पर देखो दिया गया है UCOB, कौन सा है आपका UCO बैंक दोस्तों, UCO बैंक इसका मुख्यालय कोलकाता में दोस्तों याद रखिएगा ठीक है ना। अब दो पॉइंट और आपके होते हैं कि भारत का प्रथम बैंक है ना तो वह हिंदुस्तान, और भारत का सबसे पुराना बैंक तो आपका इलाहाबाद बैंक ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान करना है दोस्तों, यहां पर क्या करना है मिलान करना है, तो चलिए फिर मिलान कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, 51 से 56 मतलब इसका आपका दो हो गया। वार्षिक योजना ये 66 से 69 के बीच आई थी, तो 66 से 69 आपका वन हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 69 से 74 आई थी, तो 74 कहां पर आपका ये हो जाएगा। रोलिंग प्लान कब आया था दोस्तों, तो ये आपका एक साल के लिए आया था, कब, जो आपका 78 से 79 में, तो 78 से 79 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मिलान करना है तो आप लोग मिलान भी कर सकते हैं। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 कहां पर है, 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन सी नंबर मिल गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध आपके हैं दोस्तों, ये बताइएगा भारी जल परियोजना कामा तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ये जाने जाते हैं उड़ीसा में है, अर्थात कहां पर है उड़ीसा में है, इसका जो आंसर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। उड़ीसा के प्रसिद्ध उद्योग है दोस्तों याद रखिएगा। भारी जल का सूत्र होता है D2 होता है, अगर पूछ ले परमाणु भार दोस्तों, अगर पूछ ले कि भारी जल का परमाणु भार कितना होता है तो आपको 20 बताना है दोस्तों, कितना 20 बताना है, 20 हो जाएगा ये परमाणु भार। भारी जल का उपयोग होता है किसमें, तो आपका
शीतलक और मंदक के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय कृषि का सहचर कौन सा है। भारतीय कृषि का सहचर दोस्तों जंगल होते हैं। कौन होते हैं? जंगल होते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, जंगल को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि भारत में कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जंगलों से स्टार्ट हुई थी, यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों बताना है बच्चों के शोषण से संबंधित आपका जवाब है यहां पर क्या हो जाएगा, तो बच्चों के लिए आपका 24, कौन सा यहां पर आर्टिकल नंबर 24, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा यहां पर देखें, ये चारों जो आपके आर्टिकल है पूछे जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो आपका 17 है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है ना। यहां पर 19 जो आपका दिया है वाक स्वतंत्रता और 5 स्वतंत्रता और इसके अंतर्गत आती है, और जो 23 दिया गया है ये आपका दिया गया है बालाश्रम और मानव अंगों का जो व्यापार होता है उसके लिए संबंधित है ना, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मूल अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में व्यक्त किया गया था, परंतु अब इसमें जो आपके हैं केवल कितने हैं। चलिए ये बताइए, अब जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे सर वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था है ना, तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। चलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो दोस्तों यहां पर आपको मालूम होगा जो दोहरी नागरिकता पहले आपके भारत में हुआ करती थी लेकिन अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का विलय हो गया है अर्थात धारा 370 हट गई है तो अब संपूर्ण भारत एक हो गया है, अब दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता ही आपकी है। तो ये जो आपकी दोहरी नागरिकता थी वो आपकी कहां से, तो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी, और आपके कहां पर है आपके, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है। कह रहा है ग्राम कचहरी के दंड देने की जो सीमा है वो आपकी है क्या, दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा अधिकतम 1,000 रुपए जुर्माना, याद रखिएगा अधिकतम 1,000 रुपए देने का जुर्माना है दोस्तों, याद रखिएगा। जो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं वो सरपंच होते हैं, कौन, ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं वो सरपंच होते हैं, और पंचायती राज की मूल इकाई क्या होती है, ग्राम सभा ही होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है, दोस्तों यहां पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों, लल्लन टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, छांट छांट के बने हैं, कि क्वेश्चन का पेपर अगर थोड़ा सा अगर इधर उधर डगमगाता है तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं। दोस्तों यहां पर 25 नंबर की अगर बात करें तो आप समझिए आपका बी नंबर संसद के पास है, किसके पास है, ये अधिकार संसद के पास है दोस्तों, याद रखिएगा। जो आर्टिकल नंबर 3 कहा जाता है 3 नंबर में कि कोई भी राज्य का निर्माण है या उसका नाम परिवर्तन करना है उसका उल्लेख इसमें से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि वेसोपेसिन हार्मोन्स का मुख्य कारण क्या होता है। वेसोपेसिन हार्मोन्स दोस्तों ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो रक्त दाब को बढ़ा देता है, क्या, रक्त दाब को बढ़ा देता है, शायद इसमें से आपके हाँ इसी प्रकार से पॉइंट दिए हैं, तो आपको देखिए रक्त दाब को बढ़ा देना हो गया, जो धमनियों का जो सिकुड़ना होता है वो इसी से होता है, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्शोषण भी इसी से होता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो निकलता है हार्मोन्स निकलता कहां से है, तो दोस्तों ये हार्मोन्स निकलता है आपके पीयूष ग्रंथि से, कहां से, पीयूष ग्रंथि से आपका हार्मोन्स निकलता है, और ये रक्त में जो प्रवाह होता है उसके ताप को नियंत्रित करता है, तो इस कारण से इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है, क्यों, मतलब आप देखते होंगे कि जो जी का मान है वो अलग अलग आपका है, ध्रुव में अलग है ना, विषुवत रेखा में अलग है, तो इसका मान जो कह रहा है तो बताइएगा क्या जवाब हो जाएगा 27 में, तो कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, मतलब यहां पर कह सकते हैं कि जो समान नहीं है इसका कारण यही है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर क्या हुई है, फूली हुई है, इस कारण से ये क्या है जी का मान समान नहीं रहता है। अब दो तीन पॉइंट बनते हैं उनको नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट आपका होता है कि ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब आपको यहां पर चित्र में देखिएगा, मतलब ये आपका क्या है विषुवत रेखा, ये आपके ध्रुव है, तो याद रखिए ध्रुवों पर जो जी का मान होता है क्या होता है, सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहां पर आप ही बताइएगा, अगर हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा या बढ़ेगा,
जल्दी से बताइएगा अगर आप लोग समझ गए हैं तो ये बताइएगा। अगर हम लोग विषुवत रेखा से अगर हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में बताइए क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो दोस्तों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं और जी यहां पर आपका ज्यादा है, तो जी का जब ज्यादा है तो हम लोग जब ऊपर बढ़ेंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा है कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा। जब हम लोग ध्रुवों से यहां पर विषुवत रेखा की ओर आते हैं तब घटता है दोस्तों, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोस्तों 28 नंबर की अगर बात करें कि यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? दोस्तों यहां पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 गुनी हो जाती है। क्या 9 गुनी हो जाती है? क्योंकि संवेग बराबर 3p हो जाता है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बिना निषेचन से बना फल कहलाता है, बिना निषेचन से बना हुआ जो फल होता है उसे कहते क्या है दोस्तों, यहां पर 29 नंबर में, और 29 की अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसमें से जो आपके उदाहरण होते हैं वो कौन होते हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा केला, है ना, जो केला होता है बिना निषेचन से होता है, जो अनानास होता है दोस्तों, कौन, जो अनानास होता है ये भी निषेचन के होते हैं। और अगर हम आपसे पूछे कि जो अनानास है, अनानास जो आपका है किस राज्य का राजकीय फल है? दोस्तों किसी को अगर पता हो तो बताइएगा कि जो अनानास है ये कहां का राजकीय फल है? तो दोस्तों आपका त्रिपुरा, नाम सुना होगा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का राजकीय फल क्या है, अनानास है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहां पर एक होता है असत्य फल, असत्य फल होता है ना, तो असत्य फल के उदाहरण में क्या होता है, नाशपाती, सेब, है ना, कटहल, ये सब क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह, कौन से समूह से निम्नलिखित में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? मतलब यहां पर यह दिया गया है कि कौन से समूह के तत्वों के जो परमाणु होते हैं ये सरलता से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथक कर देते हैं। दोस्तों 30 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा जो आपका एल, एन, ए और आपका के, अर्थात यहां पर ये जो आपका वर्ग दिया गया है ये सभी अपने इलेक्ट्रॉन सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक कर देते हैं, है ना, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ बताना है, इमली के पात पर बारात का डेरा दोस्तों यहां पर 34 नंबर में, चलिए इसका जो आंसर आपका बनेगा यहां पर 31 नंबर में दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिएगा, इमली के पात पर बारात का डेरा, छोटी सी इमली की पत्ती में क्या बारात हो सकता है? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये नंबर असंभव बात, क्या लगाएंगे यहां पर, लगाएंगे आप लोग असंभव बात है, ठीक है, ऑप्शन बने आपका ये नंबर, ठीक है ना। चलिए अब उसमें क्या हो सकता है, क्या एक लोग भी अबाउट बैठ पाते तो भी होता भाई, अगर आप लोग बी नंबर दे रहे हैं तो बी नंबर में अगर ये होता कि नहीं एक लोग भी बैठ पाते तो भी सही होता कि एक लोग बैठ सकते हैं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो कहीं ना कहीं वो जीरा पेट में गया तो गया कि नहीं गया, लेकिन थोड़े गया, तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज के लिए छोटी हो गई, लेकिन पत्ते में तो कोई बैठ ही नहीं सकता है, अर्थात जब बैठ नहीं सकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये असंभव बात है, ये असंभव बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है जिसने ऋण लिया हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जवाब देना है, चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जिसने ऋण लिया उसे बोलते हैं कर्जदार, क्या बोलते हैं, कर्जदार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों 33 नंबर में, चलिए 33 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, हो जाता है बहुत कीमती दोस्तों, क्या बहुत कीमती, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहां पर दिया गया है पद, और जो पद होते हैं तो कम से कम दो वर्ण तो होते ही होते होंगे, अर्थात जब पद की बात किया है तो पद में क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिए 34 नंबर में, थोड़ा जल्दी से जवाब क्यों देते हैं, थोड़ा आराम से सोच के जवाब दीजिएगा, यहां पर पद दिया गया है। अच्छा हम आपसे बताते हैं, ये बताइएगा आपसे बोले कि राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, या हम ऐसे कह दे राजपुत्र, क्या बोल देते हैं, राजपुत्र दे देते हैं, राजपुत्र दे दिया, ठीक है ना। अब ये बताइएगा, और दूसरा मैं यहां पर दे दें, जैसे संधिविच्छेद होती है हिम धन आलय, क्या हो जाएगा आपका, हिम धन आलय हो गया। अब यहां पर संधिविच्छेद में वर्ण ही तो लिया जाता है, सिर्फ एक ही पॉइंट तो लिया जाता है, लेकिन पद जो होता है कम से कम एक एक उच्चारण निकालेगा, जो पद होगा तो एक उच्चारण निकलेगा, जैसे राज, तो भैया पद जो होता है वो समास होता है, ठीक है ना, जो याद रखिएगा पद जो होते हैं समास होते हैं, जब आपके शब्दों से, जब वर्णों से मिलकर बनता है, वर्णों के मिल से बनता है तब आपकी संधि होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जब पदों का मेल होता है तो आपका समास होता है, जब वर्णों का
का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, क्योंकि वर्ण एक ही होते हैं, का हो गया, खा हो गया, या मात्रा हो गई, है ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है परोपकार शब्द का संविच्छेद क्या होता है, परोपकार शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर देखिए 35 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर धन उपकार होता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, पर धन उपकार इसको ऑप्शन दिया गया है। यहां पर दिया गया है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, यहां पर अगर 45 की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका राजस्थान में दोस्तों, कहां पर, राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण को देश का 52वां बाघ अभ्यारण के रूप में घोषित किया गया है, ऑप्शन आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एसेज निम्न खेल में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो एसेज कब होता है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए बी नंबर आपके क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, किसे क्रिकेट से जुड़ा है, ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अच्छा, जो एसेज आपकी सीरीज है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, एसेज जो आपकी सीरीज है किसके साथ खेला जाता है, एसेज जो आपकी सीरीज है ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट सीरीज आपकी श्रृंखला है दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत शैली है। चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार पूछे भी गए हैं, तो दोस्तों ये लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि लखनऊ चिकनकारी है ना कसीदीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक परंपरागत कला आपकी है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया गया है, और 48 की अगर बात करें तो यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है कि महात्मा गांधी के, यहाँ पर सी वाला देखिएगा, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है, यह 9 जनवरी 2003 से शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखिए बंबई वापस, यहाँ पर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे, बताइएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, 1969 में, है ना, उसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 1969 कहां पर है, ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अर्थशास्त्र में एक बैंक आपका है स्केवरिस या ड्रिक्स बैंक जिसे बोलते हैं, अर्थशास्त्र के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक दोस्तों बताना है, जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करेगा, जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहां पर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों को भी यहां पर जोड़िएगा। देखो बंदी जीवन पुस्तक दिया गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से लॉक करिए भाई। यहां पर हो जाएगा आपका सचिंद्र सन्याल है दोस्तों, कौन, सचिंद्र सन्याल, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। जो सचिंद्र सन्याल है एक भारतीय क्रांतिकारी रहे दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस या जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों, 51 नंबर में क्या हो जाएगा। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा सुशासन दिवस यही होता है ना, कि सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ही 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्वेश्चन है, क्लियर है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, बेसन्स जो कि लंदन में है, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन आपका पिट्स बेनेसन जो कि लंदन में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सुमेलित कीजिएगा, यहां पर क्या करना है, सुमेलित करना है डोला बनर्जी का जो संबंध है दोस्तों, डोला बनर्जी ये आपके तीरंदाजी से हैं, तीरंदाजी की बात करते हैं तो यहां पर 4 हो गया, और अपर्णा पोपट जो आपकी है बैडमिंटन से हैं, ये बैडमिंटन से आपकी हैं, तो यहां पर आपका 1 हो गया। जो अनुजा ठाकुर है इनका संबंध है स्नूकर से, स्नूकर से इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और परिमार्जन नेगी का जो संबंध है दोस्तों ये है शतरंज से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन कि भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण कहां विकसित किया जा रहा है। ये देखिए भारत का पहला है, विश्व का चौथा है, और एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण है दोस्तों, ये कहां पर किया जा रहा है,
चलिए ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर ग्रेटर नोएडा, इसका आंसर हो जाए आपका ग्रेटर नोएडा, आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। हाथी मैराथन दोस्तों बताइएगा, हाथी मैराथन ये त्रिचूर शहर जो आपके केरल में है, त्रिचूर शहर जो आपके केरल में है दोस्तों, यहां पर यह हाथी मैराथन आपकी शुरू होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। मैराथन तो आप लोग जानते हैं लगभग 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए करंट अफेयर का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है, कह रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य में से कौन सा है। चलिए जवाब देना है कि 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य में से कौन सा है। यहां पर जो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा केरल, जिसका ऑप्शन आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा, यहां पर केरल आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर में से कौन है। यहां पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए यहां पर आंसर की अगर बात करते हैं तो ये है आपकी किम कॉटन। क्या है, याद रखिएगा कि किम कॉटन जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो T20 मैच हुआ था उस दौरान इन्होंने क्या किया था, ये अंपायरिंग किया था और अंपायर के रूप में काम करने वाली ये पहली महिला आपकी बन चुकी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। बहुत ही अच्छी पुस्तक आपकी है, यहां पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर याद रखिए पीयूष बॉबेल, क्या बी नंबर इसका हो जाएगा, पीयूष बॉबेल इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यहां पर आंसर इसमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए आपके जो मॉडल पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर आपकी अच्छी नहीं होती है, है ना, करंट अफेयर ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, इसलिए हम अलग से करंट अफेयर को टाइप करके आपको पढ़ाते हैं, तो परेशान मत हुआ करिए, हम आपको अच्छी अच्छी करंट अफेयर लेके आते हैं क्योंकि किताबों में ज्यादा अच्छी करंट अफेयर दी नहीं है, ठीक है ना, और पुराने ही आपके मॉडल पेपर दे देते हैं, इसलिए इसमें करंट अफेयर अपडेट आपका करना जरूरी होता है। तो देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका जो आंसर होगा वह नंबर है अलेक्जेंडर सेफरिंग को, किसे, अलेक्जेंडर सेफरिंग को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपके हैं 47वीं बार, क्या 47वीं साधारण कांग्रेस में अलेक्जेंडर जो हैं ये अध्यक्ष के रूप से निर्विरोध नियुक्त किए गए हैं, अर्थात 47वें नंबर के हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि ADB ने भारत की जो आर्थिक विकास दर है 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित किया है। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, यहां पर आंसर जो आपके ADB ने आपकी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.4, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा, आपका जवाब सी हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंबई, याद रखिएगा एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, आपके कहां पर है, तो आपके मुंबई में, जिसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की जो फुटबॉल टीम है इसको कौन से पायदान पर रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा इसको जो रखा गया है 101 नंबर के पायदान पर रखा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहां पर आयोजन किया गया है। चलिए जवाब देना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो राइट आंसर है यहां पर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में किया गया है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें भारतीय नौसेना है ना, भारतीय जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, तटरक्षक बल के जो हथियार हैं, उपकरण हैं, और इनका जो एक्स कवच में भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल की विश्व की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है। चलिए यहां पर इसका आंसर देना है, दोस्तों यहां पर जो आंसर है आपका जो दिल्ली एयरपोर्ट है ये आपके 9वें स्थान पर है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ये 2022 में विश्व के 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखा जाए तो हर वर्ष लगभग 59.5 मिलियन यात्री को ये संभालता है दोस्तों। यहाँ पर शीर्ष में अगर बात करें तो शीर्ष 10 हवाई अड्डों पर वैश्विक यातायात 10% हिस्सा है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट के क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने को उपलक्ष्य में पहले गजोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। हाँ, अब आपके यहाँ पर क्या है जो कि आपके महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रमुख व्यक्तियों के आपके उपनाम, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, हमेशा रिवीजन के तौर पे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि लोकप्रिय नाम और आपका व्यक्ति, तो यहाँ पर देखो दिया गया सरदार की उपाधि, तो दोस्तों सरदार की उपाधि से किसे, तो आपके वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, है ना। तोता हिंद किसे कहा जाता है दोस्तों, तो तोता हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। बाबूजी किसे कहते थे दोस्तों, तो बाबूजी कहते हैं जगजीवन राम को दोस्तों, किसे, जगजीवन राम को कहते हैं। भारती मैकियावेली किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए भारती मैकियावेली, तो भारती मैकियावेली दोस्तों किसे कहते हैं, तो आपके चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य, ठीक है ना। अगला है लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जानते हैं, सुनील गावस्कर को दोस्तों, किसे, सुनील गावस्कर को। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, आपसे कह रहा है से फ्यूहरर, फ्यूहरर किसे कहते हैं, फ्यूहरर, तो दोस्तों फ्यूरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को, एडोल्फ हिटलर आपने नाम सुना होगा। वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कहते हैं महाकवि कालिदास को कहा जाता है। लिटिल कार्पोरल, लिटिल कार्पोरल किसे कहते हैं दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्टा का नाम सुना होगा, तो लिटिल कार्पोरल कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्टा को। अगला ब्लैक गांधी किसे कहते हैं दोस्तों, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, तो आपके मार्टिन लूथर किंग को जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। अगला है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहते हैं, तो आपके जोफ्री चांसर को, किसे, जोफ्री चांसर को कहा जाता है। अगला है मेड ऑफ, मेड ऑफ ऑलियंस, मेड ऑफ ऑलियंस कहा जाता है, जान ऑफ आर्क को कहते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला है शांति पुरुष के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी मिलते हैं, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इतने लाइक पहुंचाइएगा कि कम से कम हमें भी लगे कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं और आप लोग भी हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं। यहां पर देखो पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, लेकिन बंगाल केसरी किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए बंगाल केसरी कहते हैं आशुतोष मुखर्जी को। दोनों पॉइंट याद रखिए, आपके बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी कहते हैं। आंध्र केसरी किसे कहते हैं, तो एक साथ आपको मिल गया आंध्र, ये कहते हैं टी प्रकाशम, टी प्रकाशम। अगला है शेर ए कश्मीर किसे कहते हैं, तो शेर ए कश्मीर किसे कहते हैं, शेख अब्दुल्ला को कहते हैं, शेख अब्दुल्ला को। अगला है बंग बंधु किसे कहते हैं, तो बंग बंधु कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, है ना। और अगला है देश बंधु किसे कहते हैं, दोस्तों याद रखिए देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को, किसे, चितरंजन दास को। लेकिन यही पूछ ले कि दीन बंधु किसे कहते हैं, देखो यहां पर बंधु 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 लगे ना, तीनों एक साथ रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। दीन बंधु कहते हैं सी एफ एंड्रूज को, लेकिन देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को। दोस्तों एक साथ आपको दिया है तो नोट जरूर करिएगा, है ना। अगला है लोकमान्य किसे कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकनायक किसे कहते हैं दोस्तों, देखो लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं। जननायक किसे कहते हैं, जननायक किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपके कर्पूर ठाकुरी कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। अगला गुरुदेव किसे कहते हैं, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। और गुरुजी किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहां पर गुरुजी किसे कहते हैं, तो आपके एम एस गोलवलकर, किसे, एम एस गोलवलकर को कहते हैं गुरुजी। गुरुदेव कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को। राजा जी किसे कहते हैं दोस्तों, राजा जी कहते हैं किसके, तो आपके चक्रवर्ती गोपाल चारक को कहा जाता है, है ना। अगला है कि भारतीय फिल्मों के पिता किसे कहते हैं, तो दोस्तों भारतीय फिल्मों के पिता किसे कहते हैं, घुंडी राज गोविंद फाल्के, घुंडी राज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह कहा जाता है। अगला है विरोधाभासों का मिश्रण, तो दोस्तों विरोधाभासों का मिश्रण आपका मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। अगला विरोधी कवि किसे कहते हैं, विद्रोही कवि, दोस्तों विद्रोही कवि कहते हैं काजी नजरुल इस्लाम को, किसे, काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं। अगला दिया गया है कि मैन ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं नेपोलियन बोनापार्टा को कहते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, दोस्तों आपने इंडियन में पढ़ा था लेकिन यहां पर दिया है ग्रैंड मैन ब्रिटेन, तो ये कहते हैं ग्लेडस्टोन को कहा जाता है, ग्रैंड मैन
ऑफ ब्रिटेन। अगला है मेडन क्वीन के नाम से महारानी एलिजाबेथ सेकंड को जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के नाम से राजा राम मोहन राय को जानते हैं। आजाद शत्रु किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। एक बार में याद नहीं होंगे लेकिन हमारी वीडियो अगर आप डेली देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाते रहते हैं। 50-60% में विश्वास है कि 50-60% तो आप लोगों को आता ही होगा ना, बस आपको तैयार क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है डेली पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि आजाद शत्रु कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुअल आबादीन को कहते हैं। मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिले हैं। युवा तुर्क किसे कहते हैं? युवा तुर्क कहते हैं श्री चंद्रशेखर को दोस्तों। युवा तुर्क कहते हैं श्री चंद्रशेखर को। और भारत की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं? उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। निर्मल हृदय के नाम से किसे जानते हैं? तो निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जानते हैं। और विश्व कवि किसे कहते हैं? तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखो जो हमने आपको पढ़ाया है ये आपके एक एग्जाम के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा। आपको हमने बताया है पीटी तो एक बहाना है, आपको मेंस एग्जाम क्लियर करके आना है, ठीक है ना। जो हम आपको अभी पढ़ा दे रहे हैं ये पीटी में तो आपका सिलेबस में है ही है, लेकिन आने वाले जो भी एग्जाम में होंगे वहां पर भी रामबाण प्रश्न साबित होंगे दोस्तों, एक बार याद रखिएगा। अभी पढ़ लोगे तो आने वाले कल में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं मेंस एग्जाम है, हाय दैया हम मेंस एग्जाम में कैसे तैयारी करें। फिर लड़कियां यही कहते हैं हाय दैया हम कैसे तैयारी करें, हमने तैयारी नहीं किया, हमने तो खाना बनाते रहे हैं। लेकिन अगर अभी से तैयारी करोगे तो ये शब्द आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बेहतरीन तरीके से नंबर लेके आओगे। तो दोस्तों हमने बता दिया है पीटी समझ के तैयारी ना करिए, ये समझ के करिए कि यहीं से हमको मेंस भी क्लियर करना है, यहीं से आपको मेंस भी क्लियर करना है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? धन्यवाद। जय हिंद।